ऊपर टेबल पे रखो, हेल्प करो। आप ऐसे सारा दिन खाली पीते रहते हो, काम टेबल पे रख। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई जो लोग चैनल पर नए काइंडली चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। आज का व्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम करवाने जा रहे हैं जी इफ्तारी। इफ्तारी किसी की करवानी है, वो है जी हमारे यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, जितने भी गार्ड्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको आज इफ्तारी करवानी है। अभी जाना है मार्केट, मार्केट से लेके आना है जी इफ्तारी के सामान, फ्रूट्स लेके आना है और बाकी जो चीज़ें हैं इफ्तारी की वो लेने जाना है। अभी टाइम जो है तकरीबन 3:20 होने वाले हैं, पूरा टाइम वेस्ट किया, मार्केट निकलते हैं और इफ्तारी का सामान लेके आते हैं। आप क्या कर रहे हो शवेज? ये देख, और इसकी तो भाग दौड़ी नहीं खत्म हो रही शवेज की, क्या करें, गाड़ी मिल गई। ये अपने भाई मिशन पर लगाओ, ये देख, ओह गाड़ी को उधर से छोड़ता है और उधर निकल जाती है और वो गाड़ी यहाँ पे आ जाती है। वो देखो गाड़ी पहुंची हुई, अब इधर से छोड़ो। भागो भागो भागो, आइए। नहीं आई होगी, आपने सही तरह नहीं छोड़ी उसको। नो नो उनको गाड़ी। अभी हम लोग निकलने लगे हैं जी मार्केट के लिए सामान वगैरह लेने, और मेरे साथ एक हेल्पर भी है। हेल्पर आपको दिखाता हूँ, और वो ये है जी हेल्पर हमारे। शायद आज मेरी हेल्प करेगा सामान लेने में, ये देखते हैं ये मेरी हेल्प करेगा या मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। इधर भाई भाई। अच्छा भाई, शवेद जो है ना अपने पसंद के अमरूद लेने लगा। कौन से लेने शवेद, बताओ जरा। ये सामने खरबूजे पड़े हैं, वो दूसरे चाइना वाले खरबूजे हैं सामने। हाँ सारी जी शॉपिंग हम गाड़ी में बैठ के करेंगे, क्योंकि शवेद है साथ, इसलिए हम बाहर नहीं निकल रहे। ले लो भाई, ले लें शवेद, पीछे रखो, चलो पीछे रखो, चल। इसने तो भाई आते ही इफ्तारी कर ली है, लेकिन हमारी इफ्तारी जो है ना शाम को होगी। अभी फ्रूट चाट का सामान आ गया है, फ्रूट चाट के लिए ये खरबूजा, साथ में बनाना है, ये अमरूद है, ये स्ट्रॉबेरी और ये एप्पल है। इसके अलावा और एप्पल भी फ्रिज में पड़े हैं, वो ऑलरेडी मैं लेके आता था, तो इसलिए मैंने थोड़ा एप्पल कम लिए हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। जिनकी इफ्तारी करवानी है वो तकरीबन 10 से 12 लोग हैं, तो उनके लिए फ्रूट चाट तो ये काफ़ी हो जाएगी। पानी के लिए ये साथ में जामी शीरी और साथ में ये चीनी है, ये चीनी और जामी शीरी उनको दे देंगे, वो खुद ही पानी बना लेंगे। अभी बाकी रह गए हैं समोसे पकौड़े, यानी कि नमकीन चीज़ें अभी बाकी हैं, तो उसके लिए फिर दोबारा जाना है, वो फिर ले जाएंगे। इन फ्रूट्स को धोते हैं, इनकी कटिंग वटिंग करते हैं, और फ्रूट चाट जो वो तैयार करके फ्रिज में रख लेते हैं, ये रेडी हो जाएगी, ये काम हो जाएगा, और फिर समोसे पकौड़ा वाला जो काम है वो दोबारा करें। अच्छा भाई, फ्रूट धोने का काम जो है ना शवेद और शवेज की मामा मिल के कर रहे हैं, और शवेज हेल्प कर रहा, साथ में बर्तन उठा के देगा। वाह भैया, आज तो बड़े नेक काम हो रहे हैं। चलो चलो आज धोने का काम जो है ना वो शवेज की मामा कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी सारी डालेंगे इसमें? हाँ ये सारी डाल देंगे। स्ट्रॉबेरी जूस बनाना? नहीं नहीं बनाना, बस ये काट के चाट के अंदर इसको मिक्स कर देंगे। भाई आप जल्दी जल्दी फ्रूट धो लें, तो फिर कटिंग जो है ना मिल भी करते हैं। इधर आ गए जी छोटे रोजेदार, ये बड़ा खुश हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है घर में। ये बॉल नहीं है, ये अमरूद है, ये अमरूद है, बॉल नहीं है। पट्टी करो, पट्टी ये लेके जाओ, ऊपर टेबल पे रखो, टेबल पे रख दे। हेल्प करो, आप ऐसे सारा दिन खाली फिरते रहते हो, काम टेबल पे रख दे बेटा, टेबल पे ध्यान से। वेरी गुड, जाओ टेबल पे रखो, टेबल पे रखो ऐसे, बेटा इधर रखना है, इधर ऐसे, यहाँ पे रख दे। चलो आप काम करना, आप कटिंग भी करो। ये खिलारा डालने जा रहा है, ये भी क्लैपिंग हो गई। चलो जी रेडी हो जाओ, अब कटिंग होनी है इसको। अभी फ्रूट चाट के लिए हमने ये बर्तन सेलेक्ट किया, तो ये बर्तन मेरे घर में फुल हो गया ना, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो चलो जी इस बर्तन को भरने की कोशिश करते हैं, जब तक नहीं भरता फ्रूट काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, जब भर जाएगा तब बसते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं और काम को ख़त्म करते हैं। सबसे पे अच्छा भाई, सबसे ज़्यादा मज़े का जो काटने वाली चीज़ है ना वो खरबूजा। खरबूजे को दिल करता है बंदा काटता जाएगा, क्योंकि नरम होता है ना, छोटी बड़ी तेज़ी से चलती है, और ये अमरूद वगैरह काटना उससे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है, और बनाना भी सबसे ईजी होता है काटने में। छीलने वाला काम है वो भी शवेज की मामा ने किया, उन्होंने हेल्प की है, तो काम जो है ना जल्दी जल्दी हो गया, अदरवाइज मैं अकेला ही लटका होना था। Yeah.
कुछ स्ट्रॉबेरी और बनाना जो है ना कुछ वेज के मामा ने काट दिया है, अभी कुछ केले बाकी हैं वो मैं काट रहा हूँ। माशाल्लाह से भाई हमारी आखिरी आइटम चल रही है वो है जी स्ट्रॉबेरी। माशाल्लाह से चाट जो है ना ज़बरदस्त बन गई है, देखने में बड़ी प्यारी लग रही है और खाने में तो फिर प्यारी होगी होगी क्योंकि अफ्तारी के टाइम आपको पता भूख सही टिका कर लगी होती है। इसको रखते हैं फ्रिज में, नमाज का टाइम हो गया असर की नमाज पढ़ते हैं और फिर जो बाकी के आइटम्स हैं उनका अरेंजमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जीतू भाई, कैसे हैं आप? ये देखिए आपके लिए तारी आ गई है, माशाल्लाह से समोसे पकौड़े आ गए और ये मैं थोड़ा दही भी लेके आया हूँ ये क्योंकि मुझे चटनी जो है ना ये ज़रा कम लग रही है तो ये भी किसी चीज़ में पैक करनी है और ये दही की थोड़ी सी एक्स्ट्रा चटनी भी बना दें ज़रा अच्छी वाली। अफ्तारी रेडी हो चुकी है, पैक हो चुकी है, ये फ्रूट चाट भी माशाल्लाह से ठंडी हो गई है तो इसके साथ हम लोगों ने चाट मसाला ले लिया, ये उनको हैंड ओवर कर देंगे, वो खुद ही इसके ऊपर लगा लेंगे जितना भी लगाना हो क्योंकि अभी इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये सारी ख़राब हो जाएगी। तो फोन किया अभी थोड़ी देर में वो आते हैं और उनको हैंड ओवर करते हैं माशाल्लाह। चलो शेर आप ही दुआ कर लो, दुआ करो। सारे भी लोग जो है ना वो नीचे आ गए अपना सामान लेने तो अभी उनको सामान हैंड ओवर करते हैं और फिर अपनी अफ्तारी की तैयारी करते हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से उनकी इफ्तारी करवा दी है, उनकी भी इफ्तारी होगी और अपनी भी इफ्तारी कर ली है। पता है जैसे ही बंदा इफ्तारी करता है तो बंदा बिल्कुल सुस्त हो जाता है, कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, हिलने तक दिल नहीं करता, तो बस इफ्तारी होगी अब लेट जाओ सो जाओ। तो इसलिए भाई सोचा हिम्मत करके वीडियो कंप्लीट करें फिर उसको क्योंकि अपलोड भी करना है। भाई मेरे हाथ में एक पार्सल है, ये ऑर्डर किया हुआ था, ये आज ही मिला, तो चलें ये इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया है। BMW की एक प्रोडक्ट आई है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग आई है और ये है जी BMW की मोटर स्पोर्ट, इसके अंदर है जी अम्ब्रेला। ये ऑनलाइन मंगवाया है, ये इंपोर्ट का है, पिशावर से मंगवाया है और ये आता है जी बाहर से। भाई ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ है? ये वो है जी हांगकांग से इंपोर्ट है। तो ये है जी BMW ब्रांड का अम्ब्रेला, इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है। माशाल्लाह पैकिंग जो है ना इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी ये स्ट्रिप लगी, ये स्ट्रिप खुलेंगे ये ज़रा फोल्ड है, इजिली आप गाड़ी के अंदर भी रख लें और साथ भी कहीं ट्रैवलिंग में लेके जाना चाहते हैं तो इजिली इसको आप कैरी कर सकते हैं। ये बटन बने हुए हैं, ये दो बटन बने हुए हैं, एक अप एंड डाउन है, तो ये अप वाले को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि इसका शुगल क्या है, कैसे तमाशा करती है। 1 2 3 ये वेज कर गया धमाकों की, क्या बला खुल गई। और इसकी दूसरी मजे की बात ये है कि ये इसके अंदर देखें ये स्प्रिंग लगे हुए हैं बड़े, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है ना फिनिशिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं ये इसके अंदर। वैसे आम रूटीन में जो अम्ब्रेला होती है उसके अंदर कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं लगती, सीधी ऐसे स्टील सी लगी होती है और अक्सर टूट भी जाती है। और इसके अंदर ये जो पार्ट है ना ये वाला ये फाइबर का पार्ट है, ये मोस्टली यहाँ से टूट जाती हैं तो इस जगह पर उन्होंने जी फाइबर का पार्ट लगाया हुआ जो कि टूटता नहीं है। और चलिए साइड में माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, एक दो बंदे आराम से इसके नीचे आ सकते हैं। तो इसको बंद करने का तरीकेकार ये है कि इसका ये बटन है, इसको ये नीचे वाली साइड से प्रेस करेंगे तो ये खुद भी बंद हो जाएगा ऐसे, ये चवेज खतरा निकल गई जिससे फोल्ड होगी। और दोबारा से ऐसे इसको लॉक करें, ये लॉक हो जाएगी, बंद करें, स्ट्रिप लगाएं और इसके अंदर डाल के पिंक कर दें। आज भी तो माशाल्लाह से हमारी जो अम्ब्रेला है ज़बरदस्त निकली, जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही निकली और क्वालिटी भी वैसे ही है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस भी भाई उतनी है जितनी इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसकी फंक्शनिंग है और इसकी प्राइस है जी 2000। ये थी अम्ब्रेला। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।